चश्मा लगा के पाड़ी रोड पे ना घूमहु, रोड पे ना घूमहु, बैले के नजर लगी जाई। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आया हूँ माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुरेश लाल निषाद जी के यहाँ, और यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, बहुत ही जोरदार है। यहाँ का नेचुरल एकदम लोकेशन है, देख सकते हैं, और सामने देख सकते हैं कितना फूल वगैरह पौधा वौधा लगा है। तो आइए गाइस, हम हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लेके चलते हैं, दिखाएंगे आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया राजू जी हैं क्या उधर? तो क्या कर रहे हैं उधर? ही आ रहे हैं हम भी, कहाँ हैं आप? तो गाइस आप वीडियो में बने रहिएगा, चल रहे हैं हम। तो राजू नमस्कार। राजू जी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग इधर खाने पीने का व्यवस्था बना रहे हैं। खाने पीने का व्यवस्था बन रहा है, तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही जोरदार चीज बन रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं क्या है ये। भैया क्या बना रहे हैं आप? छोटी वाली मछली। भैया ए भैया, अरे हनिया देखो बोली क्या बना था? डेढ़लाख मछली। कहाँ से आयल है डेढ़लवा? तालाब से। तनी दिखा दीजिएगा तब, हनिया उठा के दिखा दीजिए कमरवा में। अरे वाह मजा आ गई। तो भैया नमक वमक चेक उक भइल है? नमक वमक चेक भइल है? सही बात, नमक वा फिटवा। तो गाइस चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमारे राजू भाई मिल चुके हैं, और कहाँ बानो प्रधान जी भाई? प्रधान जी इधर गए हैं अपने के चूल को साफ करने। तो आइए गाइस हम दिखा देते हैं प्रधान जी का ये जो स्टूडियो का लुक है, देख सकते हैं यही से हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत जोरदार दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। अभी मैं लेके चल रहा हूँ स्टूडियो में, क्या सेटिंग वेटिंग हुआ है अभी दिखाएंगे आप लोग को। तो वीडियो में बन रहिएगा, और प्रधान जी को मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है आप। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ इतना सुंदर लोकेशन है यहाँ का, बहुत ही जोरदार है, देख सकते हैं ये लुक। अभी तो फूल पौधा लगा हुआ है, और उसी में पंजाब से बंदा आया हुआ है, देख सकते हैं राजू भाई आ रहे हैं, कुछ लिए हैं। पंजाब से बंदा आया हुआ है, क्या है राजू भाई क्या है? इसमें हम छोटी वाली मच्छी रखे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें क्या है, तुम दिखाइए। ये छोटी छोटी जो होती हैं इनके नस नहीं होती है। तो गाइस देख सकते हैं छोटी वाली मछली है, चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। बहुत जोरदार है, क्या करूँ, ये पैक मारेंगे नहीं तो मैं खा लेता पूरा पूरा मछली। सही बात है ना? कोई बात नहीं है, ऐसे भालू अच्छे हैं क्या। तो कुछ गाना बनाता है राजू भाई? और गाने आते हैं, तो एक गाना सुना दीजिए। अभी गाने हम नहीं सुना सकते। तो गाइस बहुत ही अजीबो गरीब एक व्यक्ति मिल चुके हैं, इनका नाम है राजू, राजू निषाद जी। तो राजू भाई आप सुनने में आता है बहुत गाना वाना गाते हैं? बहुत गाते हैं, जीवन से हम छोटे थे इतने बड़े तब से गाते हैं। बहुत ही बढ़िया राइटिंग भी करते हैं, लिखते हैं गाना और गाते भी हैं गाना। तो तनी हमको सुना देता राजू भाई, कैसा कौन गाना सुनाए भाई? कौन सुना दे एक छो, चलिए भोजपुरी में छोटी सा कॉमेडी गाना सुनाइए। हाँ चलिए। चश्मा लगा के पाड़ी रोड पे ना घूमहु, रोड पे ना घूमहु, बैले के नजर लगी जाई, भैंसा बउराई, बैले के नजर लगी जाई, भैंसा बउराई, हरियर घसिया में तुहके दौड़ाई पाड़ी, हरियर घसिया में तुहके दौड़ाई पाड़ी, दौरा के तुहके गरमाई, भैंसा बउराई। कौन गाना भैल का? गाना तो नहीं लगा था हमको, ये कॉमेडी गीत आपने बोले भाई, की कौन गाना है? तो गाइस साहब अच्छे 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 कलाकार मिलवाएंगे, अब यूं ही वीडियो में बने रहिएगा। और कौन गाना वाला? ऐसे गाने को बाद में गाने बंद करिए अभी। तो अरे खिड़की से जाकी जाकी फेक ताड़ू बाटा, हमके घाटा होता। वाह आजा 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 भैया। माना देलू तू राके दुपाटा, हमरा घाटा होता। फिर से थोड़ा सा और। हाँ बोलिए सर, तो बोलिए राजू भाई। अरे बहुत बढ़िया कलाकार हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं ना। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और अच्छा अच्छा गाना एकदम नॉन स्टॉप सुनवाएंगे।
हाँ राजू भाई बोलिए बोलिए बोलिए। चली गई लू तू घसिया के काटे, अब बाकी लोग लगल बरतनवा के चाटे, कुली त भइल बा बेकार, का कहिए भुलावन भैया धोखा दिहले बा हमर साथ। ये कौन गाना तू बोले बा? ऐसे ऐसे बहुत गाने बनाए रखे। गाना कोई बढ़िया आता हो तो गाइए महाराज, क्या ऐसे गाने वायरल थोड़े किए जाते हैं वटू पे। तो गाइस आप वीडियो बन रहिएगा, अभी हम ले चल रहे हैं। ये देखिए स्टूडियो के एक सिंगर हैं और एक राइटर भी हैं, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर स्टूडियो का वो स्टूडियो देख रहे हैं सामने बना हुआ है। आ रहे हैं भैया, एकदम आ रहे हैं। तो गाइस आप बन रहिएगा, मिलते हैं जुलते हैं। देखिए सामने बैठे हैं भैया, यहाँ हम मोहन भैया के साथ। गाइस देख सकते हैं भैया मछली बना रहे हैं देसी तौर तरीका से, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जोरदार एकदम। हाथ लगाइए भैया, हाथ लगाइए, देख सकते हैं और एकदम जल रही है मछली, देख सकते हैं बड़ा ही मजा आ रहा है। छोटी जलने वाली मछली है, अभी खाया जाएगा, देखते हैं कैसा लग रहा है, इसका स्वाद कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब, भेंट कर रहा था। तो गाइस देख सकते हैं अभी मिल गए हैं हमारे स्टूडियो के मालिक सुरेश लाल निषाद जी, और साथ में बता दें कि ये ब्रह्मपुर ब्लॉक का ये पिपरैया के प्रधान हैं। और कितना टोला भैया आपका? 12 टोले हैं, 12 टोले के बराबर ब्रह्मपुर है, 24 गांव। अच्छा, यानी इतने बड़े ग्राम सभा के प्रधान इसी उम्र में इसी अवस्था में मतलब बन चुके हैं, और बहुत बहुत बधाई हो इनको, बहुत ही अच्छा लगता है। और देख सकते हैं स्टूडियो में लेके चलना भैया, आप लोग जुड़े रहिएगा, देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लुक दिए हैं स्टूडियो का, देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। एक बार मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, आज मैं फर्स्ट टाइम में दिखाया था, और आज मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ का, देख सकते हैं यहाँ का गेटअप वगैरह जो लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ आइए गाइए, और यहाँ रहने के लिए सुविधा भी है, यहाँ पर चाहे तो आप रह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बिस्तर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सोने वोने के लिए जो भी सिंगर आएंगे गायक आएंगे यहाँ सोने के लिए व्यवस्था भी है। माँ अम्बे स्टूडियो ब्रह्मपुर में पड़ता है और गोरखपुर जिला में पड़ता है, बहुत ही बढ़िया। अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिएगा एक बार, 7318-4741-14। तो जो भी कलाकार गाना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे स्टूडियो के मालिक जो सुरेश लाल निषाद हैं वो मिल जाएंगे आपको, और बात भी कर लेंगे, और जो भी आप कहना होगा डन कर लीजिएगा, और आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, लव यू के बाय।